किस्मत वाला है। तेरी जात का? नमस्ते मम्मी। लुंगी उठा के लल्लू पंजू का कूटने का और नशा उतरते ही क्या हुआ पूछने का? वो डंडा दे मुझे। ये ढक्कन वो हमें धोने के लिए डंडा मांग रहा है। अपन की दादी की कसम, अब उनको टच भी किया तो टपक जाएगा, दोबारा मारने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी।
अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी,
हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है।
हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है,
जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू।
दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको,
सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी।
वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी।
अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी,
हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है।
हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है,
जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू।
दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं
जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी।
वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी।
अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी।
शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी।
दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है,
जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू।
दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं
जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी।
वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी।
अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी,
हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला के तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला के तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला के तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है।
हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है,
जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है, और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू।
दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं
जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी।
वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेसुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी।
अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी, हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कृति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कृति सुरेश के अलावा दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, सामुथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। दोस्तों, हमेशा से ही साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पछाड़ा है और इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला को टक्कर देने साउथ स्टार नानी और एक्ट्रेस कृति सुरेश की फिल्म दशहरा आई है, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। और वहीं अपने पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद साउथ सिनेमा फैंस को काफी खुशी होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड में क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ की कमाई की है, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी,
हालांकि ये भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीकेंड के खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा लेगी। अजय देवगन के भोला की तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई की बात करें तो 27.75 करोड़ रुपए हो गए हैं। बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा बहुत दिनों से चर्चा में थी। वहीं यह पहली बार है कि नानी ने अखिल भारतीय फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में नानी और कीर्ति सुरेश के अलावा दीक्षित शेट्टी, साइन टॉम चाको, सामूथर कानी और साई कुमार भी हैं, जिनकी एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है। तो गाइस, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिल्मी रिव्यू।